गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डी ए वी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट टी वी एस, चैप्टर थ्री, और चैप्टर का नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड फिट। और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट फोर, ठीक है। चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका था और आज करेंगे एक्सरसाइजेस। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। आपको ये जो वर्क है नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है। पार्ट फोर, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है, जो भी बात पूछी जाती है उसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तीन या चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से जो भी बात सही है उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ओके, जैसे आपको पूछा है कि इफ़ आवर हेयर इज़ ड्राई वी शुड अप्लाई, तो इसका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इफ़ आवर हेयर इज़ ड्राई वी शुड अप्लाई। आपको बताया था कि यदि आपके हेयर ड्राई होते हैं, इफ़ मीन्स क्या होता है, यदि, आई एफ क्या होता है, इफ़ मीन्स होता है यदि, अवर मीन्स होता है हमारे, हेयर जो हैं वो यदि ड्राई हैं, सूखे लग रहे हैं, उनमें आपको लग रहा है कि ऑयल की कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अप्लाई, हमें उन पर क्या अप्लाई करना चाहिए, मतलब क्या उन पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं, सोप, ऑयल या फिर वाटर। देखो, ए ऑप्शन है सोप। यदि आपको अपने बाल सूखे लग रहे हैं तो क्या सोप लगाओगे, सोप मीन्स क्या होता है, साबुन। और बी ऑप्शन है आपका ऑयल लगाओगे, ठीक है, ऑयल अप्लाई करोगे। और जो सी ऑप्शन है वो है वाटर। यदि बाल आपके सूखे सूखे लग रहे हैं, ड्राई लग रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, सोप लगाओगे, साबुन लगाओगे क्या, तेल लगाओगे क्या, या फिर पानी लगाओगे, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, ऑयल। तो इसका आंसर है बी। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, टिक लगाओगे। नंबर टू है वी टेक अवर लंच। इसमें क्या पूछा है कि वी मीन्स क्या होता है, हम या हमें होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग है हम। टेक मीन्स क्या होता है, लेना, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, हम लेते हैं, अवर मीन्स हमारा लंच, हम हमारा लंच जो है वो कब लेते हैं, आप सुबह सुबह लंच लेते हो या रात को लेते हो लंच, या फिर कब लेते हो, दोपहर में, बताओ कब लेते हो अपना लंच, आप लेते हो दोपहर में, इन द आफ्टरनून, ठीक है, जब आपकी इंटरवल होती है, रिसेस होती है, उस टाइम में आप क्या लेते हो, अपना लंच, अपना टिफिन खाते हो ना, लंच खाते हो, तो वो कब लेते हो लंच हमारा, हम इन द आफ्टरनून। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको टिक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या लेते हो आप, मॉर्निंग में आप खाते हो जो अपना मिल्क जो आप खाते हो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इन द मॉर्निंग तो आपका रॉन्ग है। और बी ऑप्शन है इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर, दोपहर में 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसे कहते हैं आफ्टरनून। एंड सी ऑप्शन है एट नाइट, कि रात को खाते हो क्या लंच, नहीं ना,
कब खाते हो अपना लंच? आप अपना लंच करते हो इन द आफ्टरनून, तो इसमें ये आंसर आपका करेक्ट है, इस पे आपको टिक करना है। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है? वी मस्ट स्लीप फॉर एट लीस्ट, वी मस्ट स्लीप फॉर एट लीस्ट 10 hours. वी मीन्स क्या होता है? हमें। मस्ट मीन्स क्या होता है? चाहिए। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। फॉर एट लीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम। डेली हमें कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए? आपको बताया था हमें कम से कम 8 hours सोना चाहिए। अब देखो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें ए बी सी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में लिखा है 4 hours, FOUR HOURS, 4 hours होना चाहिए। बी ऑप्शन है 8 hours होना चाहिए, 8 hours। और सी ऑप्शन है 15 hours, 15 hours। अब बताओ इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका कि एटलीस्ट कम से कम हमें 8 hours तो जरूर से जरूर सोना चाहिए, तो इसमें 8 hours पे हम टिक करेंगे। यदि आप केवल 4 hours सोओगे तो बहुत कम सो पाओगे, तो ये इससे क्या होगा? आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और यदि आप 15 hours सोने लग गए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 24 hours तो पूरे ही होते हैं, ठीक है ना। एक दिन में कितने ओवर्स होते हैं? 24 ओवर्स में से यदि आप 15 hours सोओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 hours, 8 hours आपको सोना ही चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ए जो है ये कंप्लीट है, ए क्वेश्चन ए जो है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या है? ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है आपको, क्या करना है? राइट और रॉन्ग लगाना है, ठीक है। टिक राइट और रॉन्ग, इसमें राइट या रॉन्ग आपको लिखना है। यदि कोई बात करेक्ट है, कोई बात सही है, तो आप क्या लिखोगे? राइट। और यदि वो कोई भी बात जो है गलत है, आपको लग रही है कि वो बात फॉल्स है, तो आपको उस पर क्रॉस का साइन लगाना है। अब देखो इसमें नंबर वन क्या लिखा है कि कीपिंग फिट एंड हेल्दी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कीपिंग फिट एंड हेल्दी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फिट और हेल्दी रहना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? देखो ये क्या कह रहा है कि फिट एंड हेल्दी, कीपिंग मीन्स होता रहना, ठीक है। अपने आप को फिट और हेल्दी रखना इस जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, और ये क्या कह रहा है कि नहीं है इम्पॉर्टेंट। मतलब फिट और हेल्दी रहना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है हेल्दी और फिट रहना, तो ये बात कैसी है? ये इस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रॉन्ग। यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि ये कहता कि इम्पॉर्टेंट है तो ये बात सही होती, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि फिट और हेल्दी रहना तो कोई इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, तो ये बात कैसी है? क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। सेकेंड है ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन ए वीक। सेकेंड क्या है? ब्रश योर टीथ
ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये बात सही है या गलत है, राइट है या फिर रॉन्ग है। ये क्या कह रहा है कि ब्रश करना चाहिए आपके टीथ पर ट्वाइस, दो बार। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो बार। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार। ट्वाइस इन अ वीक, एक वीक में। वीक मतलब क्या होता है, सात दिन। अब बताओ सात दिन में यदि आप ब्रश करोगे तो क्या होगा, क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्वाइस इन ए डे आना चाहिए। एक दिन में दो बार तो ब्रश करना चाहिए, लेकिन ये तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई वीक में ही आप करो, कि सात दिन में करो, तो ये बात कैसी है, गलत है। तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। और नंबर थ्री है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो इसमें क्या बताया है कि आपको अपने हैंड्स जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। कब, बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। आपको बताया था ना कि खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद में भी, ठीक है। आफ्टर हैविंग मील एंड बिफोर हैविंग मील, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए अपने हैंड्स को। तो यही कह रहा है ये, तो इसलिए ये बात कैसी है, करेक्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड लर्न ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।